बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम बुशरा गुलजार इन प्रेजेंटिंग माई लेक्चर नंबर 2 यूनिट 10 फोर्सेस साइंस फैक्टर 5। दिस इज़ योर बुक टाइटल पेज। आर टुडेज टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यू शुड नो अबाउट दीज फोर्सेस बाय नाउ। Bouncy is a force that works in water. It is an upward pressure, which is why boats float on water. बेटे सबसे पहले bouncy के बारे में बताया गया है। upthrust force भी इसको कहते हैं या उछाल की कुवत भी इसे कहते हैं। इसे थॉमस साइंटिस्ट आर्शमीडस जी को कहते हैं, आर्शमीडस भी कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था कि bouncy एक नेचुरल फोर्स है बेटा जो वाटर के अंदर वर्क करती है। bouncy क्या है कि अगर आप ऊपर से वाटर पर कुवत लगाएं तो वो नीचे से आपको बाउंस कर देती है, उछाल देती है बाहर की तरफ। ऐसे कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स जिसे कहते हैं, बाहर की तरफ फेंकती है। इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर, ये बाहर की तरफ जो वाटर प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है ये वो फोर्स है जिसकी वजह से बोट्स जो हैं वाटर में फ्लोट कर सकती हैं वरना वो उसमें डूब जाएँ। क्या है bouncy is a force that works in water. bouncy एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ वाटर में वर्क करती है। इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर, ये एक स्पेसिफिक प्रेशर है जो ऊपर की तरफ वाटर लगाता है जिसकी वजह से विच इज़ वाई बोट्स फ्लोट ऑन वाटर, जो कश्तियाँ हैं बोट्स हैं शिप्स हैं वो वाटर में फ्लोट कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ द फोर्स दैट कीप अस ऑन अर्थ। ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ पर जमे रहते हैं, रुके रहते हैं, ठहरे रहते हैं। इट इज़ द फोर्स दैट मेक श्योर दैट व्हाट गोज़ अप मस्ट कम डाउन, जो चीज़ भी आपने ऊपर फेंकी है वो लाजमन नीचे आएगी। इट इज़ द फोर्स एक ऐसी कुव्वत है दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये वो कुव्वत है जो हर चीज़ को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। बेटे आपने सुना होगा न्यूटन का नाम, मैंने पिछली मरतबा आपका जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें बताया था कि न्यूटन फर्स्ट पर्सन था जिसने इस बात को डिस्कवर किया कि जो चीज़ भी आप ऊपर उछालेंगे वो नीचे आएगी, या वाई एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड, ज़मीन पर क्यों गिरता है, हवा में यहाँ वहाँ क्यों नहीं फिरता रहता। वजह क्या थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक स्पेशल टाइप की फोर्स है जो सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट पर मौजूद है और इसकी वजह से ही आपकी जो अर्थ है वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है और आपके अर्थ के गिर्द, चूँकि अर्थ जो है पार्ट है ना सन का, इसलिए उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। जबकि आपके अर्थ के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा है आपका नेचुरल सैटेलाइट जिसे आप मून कहते हैं, वो रिवॉल्व करने की वजह भी सिर्फ यही है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से बंधा हुआ है, अटैच है, जुड़ा हुआ है। इसे भी ज़मीन अपनी तरफ एक स्पेशल ताकत से, एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसी वजह से जो चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है और आप ज़मीन के ऊपर खड़े हुए, ज़मीन ने आपको अपनी तरफ पर रोका हुआ है, ठहराया हुआ है। फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट स्लोज और स्टॉप्स ऑब्जेक्ट दैट आर स्लाइडिंग पास ईच अदर, ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को स्लो कर दे या स्टॉप कर दे जो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा रही हो या चल रही हो सिंपल, तो फ्रिक्शन भी एक टाइप की फोर्स है, रगड़ जिसे आप कहते हैं। और ये दो चीज़ों के आपस में रगड़ने से, रब करने से वो होती है, प्रोड्यूस होती है। एयर रेजिस्टेंस इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन की एक टाइप है, यानी जो हवा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है उसे एयर रेजिस्टेंस कहेंगे। इंस्टेड ऑफ वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट अदर टू स्लो इट डाउन, एयर स्लोज द ऑब्जेक्ट डाउन। एयर भी बहुत सी चीज़ों को इस तरह जायज के चीज़ों को रगड़ें और आपस में किसी को स्लो करें, हवा भी चीज़ों को, एयर भी जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है और मूव करने वाली चीज़ों की स्पीड को कम कर देती है। इन सब की बेटा bouncy की, ग्रेविटी की, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को आपने डिफाइन करना है और अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी करना है। इफ़ दीज एंड अदर फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन एवरीथिंग, वाई आर थिंग्स नॉट ऑलवेज मूविंग और चेंजिंग डायरेक्शन। अगर ये सारी फोर्सेज है जो हमने ऊपर पढ़ा बेटा, ये हर वक्त चीज़ों पर एक्ट कर रही है, तो चीज़ें हर वक्त या तो मूव करती रहें या इधर उधर अपनी जगह बदलती रहें। दे डू नॉट ऑलवेज मूव और चेंज डायरेक्शन बिकॉज फोर्सेज बैलेंस ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स।
फोर्सेस जो हैं एक ख़ास पॉइंट पर एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, इसलिए वो हर वक्त ना तो मूव करती हैं और ना ही अपनी जो है जगह को बदलती हैं, डायरेक्शन को चेंज करती हैं। व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट इधर स्टे स्टिल और कीप मूविंग एट द सेम टाइम, देयर इज़ अ वर्ड फॉर दिस इज इनर्शिया। ये भी बेटा इनर्शिया जो है, सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे इब्नुल हैसम, उन्होंने इसको यानी कि मुतारिफ करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन बाद में जो फेमस हुआ वो न्यूटन के उससे हुआ है। तो इसे हम ये कहते हैं कि न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था कि इनर्शिया एक स्पेसिफिक जो आप कहते हैं कि फोर्स है, एक स्पेसिफिक बहुत बड़ा आप इसे कहते हैं कि फिनोमेना है, जिसमें कि चीज़ें जो हैं हमेशा हरकत नहीं करती रहती हैं और अपनी डायरेक्शन नहीं करती रहती, बैलेंस रहती हैं। क्या रहती हैं? बैलेंस रहती हैं। अगर कोई मूव कर रहा है तो मूव करता रहे, और अगर अपनी जगह पर है तो अपनी जगह पर रहे, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट करिए, एक बुक जो एक टेबल पर पड़ी है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पुशिंग इट ऑन टू द टेबल। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैसे अपनी ज़मीन पर अपनी तरफ खींच रही है ना, द सेम टाइम देर इज अनदर फोर्स जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, दैट इज पुशिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड। नीचे की तरफ जो है उसे अट्रैक्ट कर रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ऊपर की तरफ जो है उसे नॉर्मल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। दीज टू फोर्सेज बैलेंस आर बैलेंस, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल इक्वल हैं। सो द बुक रिमेन्स अपनी जगह पे स्टिल रहेगी, और फोर्सेस बिकम अनबैलेंस द फोर्थ, अगर ये फोर्सेस अनबैलेंस हो गई तो जो है बुक वो मूव करेगी। हमने क्या पढ़ा कि जैसे ये बाउंसी ग्रेविटी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस फोर्सेस ना चीज़ें या तो हर वक्त हरकत करती रहें, मूव करती रहें, या अपनी डायरेक्शन बदलती रहें, मगर ऐसा नहीं होता। इसके ऐसा ना होने की वजह इनर्शिया है, जिसकी वजह से कोई भी जो चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिल रहता है या अपनी जो पोजिशन है उसे बरकरार रखता है। नेक्स्ट मीटर देखिए, इसमें बुक के अगले पर हमने दी, ऊपर से जो इस पर फोर्स अटैक वो कर रही है, एक्ट कर रही है, वो नॉर्मल फोर्स है। नीचे से जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट बोथ जो है आर इक्वल, अगर वो इक्वल है तो बैलेंस है, उसका मतलब फोर्स ऑफ अपनी जगह नहीं बदलेगी। उसके अलावा बेटा ये नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं? देयर इज़ द फोर्स नोन एज नॉर्मल फोर्स, दिस इज़ द फोर्स दैट ऑपरेट्स व्हेन टू स्टील ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये वो फोर्स है जो उस वक्त ऑपरेट करती है जब दो स्टील ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ अटैच हों, एक दूसरे के करीब, जैसे बुक पड़ी हुई टेबल पे, तो ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में है। और ये बुक के अपनी जगह पर रहने की वजह क्या है कि ऊपर से भी फोर्स अटैक कर रही है, नीचे से भी कर रही है, इसलिए अपनी जगह पर मौजूद है। अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई बेटा नॉर्मल फोर्स की, कि देयर इज द फोर्स नोन एज नॉर्मल फोर्स, दिस इज़ द फोर्स दैट ऑपरेट्स व्हेन टू स्टील ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अच्छी तरह समझ आ गई कि ये जब दो चीज़ें अपने में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट रखती हैं तो कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होती है? नॉर्मल फोर्स। अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं कि वट इज़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स, गिव एग्जाम्पल। अ फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन अ टग ऑफ वॉर, इफ वन टीम पुल्स हार्डर देन द अदर टीम, द फोर्सेज बिकम अनबैलेंस। अगर टग ऑफ वॉर हो रहा है, जैसे हम रास्ता एक दूसरे खींच रहे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे एक साइड से पुल कर रहे हैं, बाकी उधर से पुल कर रहे हैं दूसरी साइड से, और जो है रास्ता जो है टग ऑफ वॉर का वो एक साइड पे चला जाता है, इसका मतलब है अनबैलेंस फोर्स ही, वरना दोनों बीच में रहता ना, दोनों साइड से इक्वल फोर्स एक्ट कर रही होती, जितना ज़्यादा होगी वो उसकी तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लुक एट एन ऑब्जेक्ट ऑन योर टेबल, एक्सप्लेन व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट टू कीप इट स्टिल। डायग्राम 88, इसके लिए पेज नंबर 88 पर आपकी जो बुक और डायग्राम है आप ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल फोर्स को डिफाइन करेंगे। देयर इज़ द फोर्स नोन एज नॉर्मल फोर्स, दिस इज़ द फोर्स दैट ऑपरेट व्हेन टू स्टील ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कब होती है कि ऑपरेट, जब ये हम ये क्या कहते हैं कि ये कब ऑपरेट करती है नॉर्मल फोर्स, जब दो स्टील ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, टेबल भी स्टील है और उस पर पकी पड़की भी बुक भी स्टील है, सो वाई ये एक दूसरे को ऑपरेट कर रही हैं। अब बुक इज लेइंग स्टील ऑन द टेबल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पुशिंग इट ऑन टू द टेबल, एट द सेम टाइम देयर इज अनदर फोर्स दैट इज पुशिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दीज टू फोर्सेज आर बैलेंस्ड सो द बुक रिमेन स्टिल। अब क्या आपने पढ़ा बेटा कि बुक जो है टेबल पर पड़ी हुई हो तो सिंपल फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है, मगर जो एक नॉर्मल फोर्स है वो उसे ऊपर की तरफ उठा के रखा हुआ है, ये दोनों जब इक्वल हो जाएं दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो तो ये चीज़ों को अपनी जगह पर कायम रखें।